नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ऋतु सेठी है और मैं क्लाउड 9 हॉस्पिटल सेक्टर 14 गुड़गांव और ऑरा सुपर स्पेशलिटी गुड़गांव में प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज इस वीडियो का टॉपिक है पीसीओडी। आखिरकार पीसीओडी क्या है? आजकल हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों से कदम मिला के चल रही हैं, लेकिन ये सब करने के बाद महिलाओं की आजकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। वो बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और पीसीओडी ऐसी ही एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। सितंबर का महीना पीसीओडी अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि 5 में से हर 2 या 3 महिलाओं को आजकल पीसीओडी या हॉर्मोन्स की शिकायत है। तो आखिरकार पीसीओडी होता क्या है, क्या इसका इलाज है, कैसे इससे बचाव किया जाता है और पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? पीसीओडी किसी भी महिला को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो सकता है, यानी कि 12 से 13 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक किसी भी महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम किन महिलाओं में ज्यादा होती है? जो महिलाओं का वजन ज्यादा है, जिस महिला के अंदर खान पान या स्वास्थ्य को लेके वो अपनी बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, नियमित रूप पे व्यायाम नहीं करते, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ऐसे लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है। जिस महिला की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि उसकी माँ या बहन या किसी भी रिलेटिव को, फीमेल रिलेटिव को पीसीओडी की शिकायत है, ऐसी महिला को भी पीसीओडी जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पीसीओडी से कैसे बचाव किया जा सकता है और पीसीओडी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखिए, हर महिला के अंदर 2 अंडेदानी होती हैं और ये अंडेदानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सेवन करती हैं। इन केस किसी भी टाइम पर ये हॉर्मोन्स जो है बिगड़ जाते हैं और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होने के बजाय ये हॉर्मोन्स मेल हॉर्मोन्स में बदल जाते हैं, जिनको कि एंड्रोजन्स कहा जाता है, तो उस महिला को पीसीओडी की शिकायत शुरू हो जाती है। किस कंडीशन में ये हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एंड्रोजन्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं? ये तब होता है अगर महिला का वजन बहुत ज़्यादा है, महिला के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हमेशा रहता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन सारा समय बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसी महिला के अंदर एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है और उसके अंदर पीसीओडी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो पीसीओडी के सिम्टम्स आखिरकार क्या होते हैं? सबसे पहले पीसीओडी का सिम्टम होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या फिर मेंसेस का समय समय पे ना आना। कई महिलाओं को 3 या 4 महीने तक मेंसेस ही नहीं होते हैं और दवा लेने के बाद, डॉक्टर के पास जाने के बाद, उनको जब दवा दी जाती है पीरियड होने के, तभी उनको मेंसेस होते हैं। ये एक बहुत ही सिवियर फॉर्म ऑफ पीसीओडी है। कई महिलाओं को हर 2-2, 3-3 महीने बाद पीरियड आते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक क्वांटिटी में मेंसेस होते हैं या बहुत कम क्वांटिटी में मेंसेस होते हैं। कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मेंसेस भी हो सकते हैं। ये सब के सब पीसीओडी की निशानी हो सकते हैं। यही नहीं, बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम्स होना, जैसे कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुहासे आ जाना, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाना, स्किन के अंदर मेल पैटर्न में बाल आ जाना, जैसे कि आदमियों के अंदर मूछें हैं या फिर बियर्ड है, इस तरीके से अगर किसी भी लेडी के अंदर मेल पैटर्न में बाल आ जाएं, उसके सिर के बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाएं, बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाएं, उसका वज़न अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा काले धब्बे या फिर ब्लैक पैचेस पड़ने शुरू हो जाएं, ये सब के सब पीसीओडी की निशानी है। आगे चलकर पीसीओडी एक सॉर्ट ऑफ प्री डायबिटीज़ है और अगर इसको समय पे कंट्रोल ना किया जाए तो पीसीओडी आगे चलकर डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसी महिला को कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या फिर कंसीव ना कर पाना, ये वाली दिक्कत आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि पीसीओडी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। यदि यह महिला कंसीव भी कर लेती है, उसको मिसकैरेज होने के चांसेस, क्योंकि हॉर्मोन्स का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, वो प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान उसको शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर मधुमेह की दिक्कत प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको कि जेस्टेशन डायबिटीज कहा जाता है, वो पीसीओडी के मरीजों में ज़्यादा पाई गई है। तो मधुमेह की दिक्कत अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान या जेस्टेशन डायबिटीज किसी भी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान आ जाए, उसका क्या असर पड़ता है उसकी बॉडी के ऊपर या बच्चे के ऊपर? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे की डिलीवरी प्रीमेच्योर हो सकती है, बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बच्चे के आसपास पानी बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिस समय डिलीवरी हो
हो सकता है कि बच्चों के फेफड़े के अंदर अभी तक पानी रहे और उसको ऊपर से दवाइयां देनी पड़े ताकि उसके फेफड़े ढंग से खुल पाए। बच्चे को इस वजह से सांस लेने की प्रॉब्लम, आईसीयू में एडमिशन की प्रॉब्लम, जॉन्डिस होने की प्रॉब्लम, ये सब दिक्कतें पीसीओडी के मरीज जिनको की मधुमेह की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में हो जाती है उनके बच्चों के अंदर ये वाली दिक्कत पाई गई है। यही नहीं, डिलीवरी के बाद भी ऐसे बच्चों के अंदर कई बार शुगर की मात्रा कम पाई गई है। अगेन ऐसे बच्चों को आईसीयू में एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर किसी महिला का ऑपरेशन हुआ है या उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई है, टांकों का पक जाना, टांकों में घाव के अंदर जो है पस पड़ जाना, टांकों का सही से जो है हील अप ना हो पाना, ये सब पीसीओडी के मरीजों में जिनको की शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है हो सकता है। आगे चलकर 8-10 साल में ऐसे पेशेंट्स डायबिटिक भी हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पीसीओडी की प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स क्या क्या कॉज कर सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर किसी पेशेंट के अंदर पीसीओडी की प्रॉब्लम समय पे कंट्रोल ना हो तो आगे चल के उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, उसको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है या मधुमेह की शिकायत हो सकती है। उसके हार्ट के अंदर असर पड़ सकता है क्योंकि बॉडी के अंदर हमेशा शुगर बहुत ज़्यादा है, आर्टरीज हार्ड हो सकती हैं, लिपिड्स की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बारी मरीजों को स्लीप एपनिया की दिक्कत भी पीसीओडी के पेशेंट्स में ज़्यादा पाई गई है। ये स्लीप एपनिया की दिक्कत की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि सुबह उठकर बहुत ज़्यादा फ्रेश फील नहीं करते, पूरा दिन उनको बहुत ज़्यादा थकान की दिक्कत रहती है, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। पीसीओडी की वजह से ही स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम्स आजकल अगेन इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आगे चल के स्ट्रोक और हार्ट के ऊपर असर होने के अलावा लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंस जो कि महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है वो है कैंसर का प्रॉब्लम, गर्भाशय का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, जिसको कि हम लोग एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं, वो पीसीओडी के मरीजों में ज़्यादा पाया गया है एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। तो मरीजों को पेशेंट्स को अगर किसी भी पेशेंट के अंदर पीसीओडी की शिकायत हो गई है, किस तरीके से वो उसका इलाज करेंगे, किस तरीके से वो उसका उपचार करेंगे ताकि पीसीओडी की शिकायत होने के बाद क्या उसका ट्रीटमेंट है, कैसे इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आता है प्रिवेंशन। आप किस तरीके से पीसीओडी होना प्रिवेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, नियमित रूप से व्यायाम करिए, 40 से 45 मिनट एटलीस्ट कोशिश ये रखें कि आप रोज सैर करें या किसी तरीके का व्यायाम जरूर करें। अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खान पान का ध्यान रखना पीसीओडी ना होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी भी किसी भी चीज़ का सेवन ना करें जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो, क्योंकि शुगर ज़्यादा होने से इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बॉडी में बनती है और यही इंसुलिन नॉर्मल फीमेल हॉर्मोन्स को एंड्रोजेंस में कन्वर्ट करता है या फिर पीसीओडी की शिकायत लाता है। तो कोशिश ये रखें कि आपकी डाइट के अंदर होल ग्रेन्स अच्छी मात्रा में रहें, आप अच्छे सलाद का सेवन करें, फ्रूट्स खूब खाएं, समय समय पर व्यायाम करें और अपनी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का जंक फूड वगैरह, शुगरी ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करें, ट्रांस फैट, ये सब चीज़ें अवॉइड करें और जो भी खाएं बिल्कुल ही हेल्दी रहें और व्यायाम भी साथ साथ ज़रूर करें। ये तो रही डाइट और लाइफस्टाइल की दिक्कत। इनकेस आपको पीसीओडी की शिकायत आ गई है तो आप इस प्रॉब्लम का उपचार कैसे करेंगे, अपने डॉक्टर से जाके मिलें। इनकेस आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कुछ दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए, तो उन दवाइयों का सेवन जरूर करें क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। कई लोगों में पीसीओडी की शिकायत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनका ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है और इस ऑपरेशन के अंदर ओवरीज के अंदर जो है छोटे छोटे ड्रिलिंग की जाती हैं ताकि ओवरीज के अंदर हॉर्मोन्स जो है नॉर्मल हॉर्मोन सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाए। तो ये तो रहा पीसीओडी का ट्रीटमेंट और ये रहा पीसीओडी के लाइफ टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जो कि मैंने आपको बताए हैं। जैसे कि मैंने बताया, पीसीओडी की प्रॉब्लम आगे चल के डायबिटीज में बदल सकती है 10 या 15 साल में अगर पेशेंट को ये हार्मोन की दिक्कत बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहे, और आगे चल के कैंसर में भी बदल सकता है, बच्चेदानी का कैंसर, जिसको गर्भाशय का कैंसर, जिसको कि हम लोग एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। तो आई होप आप सब ये टिप्स फॉलो करेंगे, अभी से बचाव करेंगे, लाइफस्टाइल और डाइट का अच्छे से ध्यान रखेंगे ताकि सब के सब स्वस्थ रहें और इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से दूर रहें। थैंक यू एंड आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।